सुरक्षा उल्लंघन की घटना में आरोपी दोनों व्यक्ति शहीद भगत सिंह के कृत्य को सदन में दोहराना चाहते थे। एक अधिकारी ने यह बताया कि आरोपी के कब्जे से एक पर्चा बरामद हुआ है जिसमें लिखा था, प्रधानमंत्री लापता हैं और जो भी उन्हें ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से पैसा मिलेगा। पुलिस सूत्रों ने कहा कि आरोपी के जूते खास तौर पर डिजाइन किए गए थे और धुएं वाले केन को छुपाने के लिए छेद बनाए गए थे। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि धुआं करने वाले केन सागर शर्मा ने लखनऊ से खरीदे थे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो 1929 में ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के अंदर कमजोर बम फेंकने की क्रांतिकारी भगत सिंह की घटना को ही अंजाम देना चाहते थे। आरोपियों ने धुआं बम का उपयोग करने के बाद संसद में पर्चे फेंकने की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने तिरंगे भी खरीदे थे। सूत्र बता रहे हैं कि आरोपियों का अभी तक किसी भी संगठन से जुड़े होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने संसद भवन में जाने के लिए पास का इंतजाम किया था। पुलिस ने बताया कि ये सभी आरोपी सोशल मीडिया ग्रुप भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे। 1.5 साल पहले मैसूर में ये मिले भी थे सभी आरोपी। और ये भी बताया जा रहा है कि सागर लखनऊ से जुलाई में दिल्ली आया था लेकिन संसद भवन में प्रवेश नहीं कर सका था। 10 दिसंबर को बाकी के आरोपी अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। इंडिया गेट के पास ये लोग इकट्ठा हुए और स्मोक पटाखे इन्होंने आपस में बांट लिए। पुलिस ये भी बता रही है कि गुप्त तरीके से आपत्तिजनक वस्तुओं को संसद भवन के अंदर ले जाया गया और अब IPC के तहत कई अलग अलग धाराओं में इनके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं। आगे अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें कि धारा 120B, 453, 153, 186, 353 और UAPA की धारा 16 और 18 के तहत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये घटना आपको याद होगी कि बुधवार को दोपहर 1:01 की है। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल चेयर पे थे, शून्यकाल की कार्यवाही संचालित हो रही थी और तभी मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, वक्तव्य दे रहे थे और अचानक से लोगों ने देखा कि दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए। गिरफ्तार आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है कोर्ट की तरफ से और आरोपियों का कहना है कि वो बेरोजगारी और देश की बाकी दूसरी समस्याओं से परेशान थे। ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से काफ़ी प्रभावित थे। नीले रंग की जैकेट पहना एक शख्स सांसदों की सीट पर कूदने लगा था बुधवार के दिन और लगभग 3 कतार लांघकर आसन की तरफ बढ़ा था। अफरा तफरी के माहौल के बीच कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाई थी और उसे घेर लिया था। फिर मार्शल्स पहुंचे और किसी तरीके से इन लोगों को काबू में किया गया लेकिन एक युवक ने जूते के अंदर से कुछ पदार्थ निकाला। इसके बाद वहाँ पीले रंग का धुआं उठने लगा जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी। बाद में सांसदों और मार्शल्स ने मिलकर दोनों को पकड़ा और इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।